सो कैसे भाइयों एंड क्या हाल है आपके। उम्मीद का बढ़े होंगे और सभी का रैंक पुश सभी के लिए बहुत ज्यादा मस्त चल रहा होगा, तो टेंशन मत लो। और काफी सारे बंदे यहाँ पे डिमोटिवेट भी हो रखे होंगे, तो आज तुम्हारे भाई तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप भी इस पे हो, कॉन्कर कैसे लगाएं और भाई यहाँ पे हाई प्लस कैसे निकाले, हाई किल कैसे निकाले, लास्ट जोन सर्वाइव कैसे करें, तो टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा आपको। बस आज की वीडियो पूरी देखना है यहाँ पे, बाकी तो आपको बता ही दूंगा मैं। और भाई अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो भाई 100% आपका यहाँ पे कॉन्कर लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि भाई तुम्हारा भाई हर सीजन यहाँ पे कॉन्कर कर लेता है इजीली, वो भी सोलो के अंदर। और हाँ, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सोलो में ही होने वाली है। तो भाई जो बंदे यहाँ पे डुओ या स्क्वाड के लिए बोलते हैं तो भाई वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी नॉलेज है। तो वीडियो को देखना और काफ़ी ज़्यादा मस्त वीडियो है, तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो बात करें अभी के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्लस कैसे मिलेगी और यहाँ पे ज़्यादा किल कैसे होंगे आपके, और इवेंट सर्वाइव और लास्ट जोन सर्वाइव यहाँ पे कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो भाई के लिए तो यहाँ पे थोड़ा गेम प्ले पे चलते हैं, उसके बाद आपको बैक टू बैक एक एक चीज समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसे खेलना है, कैसे प्लस निकालनी है और कैसे यहाँ पे हाई किल करना है सब कुछ। तो पहले यहाँ पे देखो तुम, तो अभी के लिए तो यहाँ पे इस बंदे को तो मार दिया था और अभी अपने इवेंट पे 3 किल हो चुके थे, तभी यहाँ पे नीचे साउंड आता है मेरे को। तो भाई अभी इस बंदे ने यहाँ पे जो टाइम वेस्ट किया है ना मेरा, वो देखना भाई तुम। और हाँ, एक चीज और बता दूँ आपको उससे पहले कि भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे 2 ID में एडवांस में कॉन्करर लगा लिया है और ये 3rd ID है, तो इसका भी मैं कॉन्करर लगा लूंगा, ठीक है। जबकि मैं यहाँ पे 3 ID का कॉन्करर एक सीजन में कर सकता हूँ, तो क्या भाई आप 1 ID का कॉन्करर नहीं कर सकते यहाँ पे? तो भाई इजिली कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? आपके अंदर बस मोटिवेशन होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। अगर तो आप डिमोटिवेट होकर खेलोगे तो भाई कभी आपको कॉन्करर नहीं लगेगा और कभी भी आप यहाँ पे कॉन्करर नहीं जा पाओगे, ठीक है। और काफी सारे बंदों के यहाँ पे ड्रीम होता है कॉन्करर करने का, बट यार वो डिमोटिवेट होकर यहाँ पे अपना कॉन्करर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो भाई तो तुम्हारे भाई का यहाँ पे क्या मानना है, अगर तो आप डेली के यहाँ पे 50-100 पॉइंट भी प्लस करते हो तो भी आपका इजिली यहाँ पे कॉन्करर लग जाएगा विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम के लिए, एंड लास्ट तक इजी आप कॉन्करर लगा सकते हो अगर तो आप ये वीडियो पूरी देखोगे। तो भाई यहाँ पे काफी सारे बंदे डिमोटिवेट हो गए, कॉन्करर छोड़ देते हैं। किस वजह से? क्योंकि भाई उनका एक अद्धी गेम में माइनस पड़ जाता है या तो हैकर आ जाता है। तो भाई आपको कभी भी यहाँ पे अपना कॉन्करर पुश छोड़ना नहीं है, चाहे हैकर आए, कुछ भी आए, माइनस पड़े, कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि भाई माइनस पड़े से एक गेम का रूल है, तो भाई ये तो पड़ेगा ही। और भाई माइनस प्लस को यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, अगर तो भाई माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिमोटिवेट मत होया करो। क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, अगर आपका प्लस हो रहा है तो हर गेम में आपका प्लस ही होगा, माइनस भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब गेम का रूल है, इसको यहाँ पे सीरियस मत लिया करो। और भाई बात करें यहाँ पे आपको यहाँ पे किल्स कैसे निकालने हैं ज़्यादा, तो वो बताता हूँ। तो भाई अगर आप भी यहाँ पे सोलो में पुश करते हो और इवेंट पे आप मर जाते हो उतरते ही, तो भाई आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके इजीली यहाँ पे किल निकल जाएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि देखो भाई इवेंट के आसपास आपने नजर गिरी होगी, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, आप वहाँ से एक गाड़ी उठाओ कोई सी भी और भाई उसको लेके यहाँ पे इवेंट के चारों तरफ घुमाने लग जाओ ना, उसके बाद आपको यहाँ पे 3-4 बोट इजिली मिल जाएंगे, तो आपके किल तो यहाँ पे इजिली निकल जाएंगे। अगर आप ये वाली टिप्स यूज करते हो तो भाई 100% मेरी गारंटी है यहाँ पे आपके इजिली किल निकल जाएंगे 4-5 से ऊपर ही। आप कोई से भी टायर पे हो, कॉन्करर पे भी हो, भी आपको 4-5 बोट यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज को ट्राई किया हूं, तो आप भी करके देख सकते हो। बाकी एक बार ट्राई करके देखना, यहाँ पे आपके 4-5 किल इजीली निकल जाएंगे, बस गोल गोल घुमाना है इवेंट के पास, यहाँ पे काफी सारे बोट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वाले टिप्स आपको कैसे लगी बता देना, बाकी यूज करके देखना एक बार प्लीज, क्योंकि भाई बहुत ही तगड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो प्लीज से एक बार यूज करके देखना। क्योंकि काफी सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पे किल नहीं होते, तो भाई एक बार यूज तो करो तुम, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पे चले, तो भाई अभी यहाँ पे काफी सारे बंदों को क्या हो रहा है कि भाई उनकी अच्छी प्लस नहीं लग रही है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भाई लोबी उस लेवल की नहीं आ रही है। भाई लोबी उस लेवल की क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पे सारे बंदे डिमोटिव हो चुके हैं और अपना कॉन्करर पुश यहाँ पे छोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ पे सब डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो भाई ज्यादा प्लस आपको कैसे मिलेगी? आप घर तो आपके यहाँ पे किल ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा प्लस इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज थी, और जितना हो सके भाई यहाँ पे किल करो आप यहाँ पे इजिली ज्यादा प्लस तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और अभी बात करें यहाँ पे काफी सारे बंदों के मन में ये डाउट से रहता है कि भाई यहाँ पे लास्ट पॉइंट कितने जाएंगे, 5400 या 5400 जितने भी जाएंगे, तो उसका भी आपको डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कितने पॉइंट जाएंगे।
जाएंगे लास्ट तक अगर आपको कॉन्करा करना ही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लास्ट पॉइंट जाएंगे, पिछली बार यहाँ पे 5400 पॉइंट के आसपास गए थे, बट इस बार यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे 5300 पॉइंट भी जाने वाले हैं, क्योंकि भाई अभी की सीजन यहाँ पे बहुत बंदे अपने रैंक पुश छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे जितना हो सकता है भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से 5300-5400 के आसपास ही यहाँ पे पॉइंट रहने वाले हैं लास्ट तक। बाकी तो आपको कॉन्करा करना है तो आप इजिली कर सकते हो, अगर आप डेली का यहाँ पे 50-100 प्लस भी करोगे तो भी आपका कॉन्करा यहाँ पे लग जाएगा इजिली। अभी काफी सारे बंदों के मन में यहाँ पे क्या डाउट रहता है कि भाई यहाँ पे लास्ट जोन सर्वाइव होता ही नहीं है, काफी बंदे बचते हैं और भाई मारे जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन बताऊंगा आपको क्यों मारे जाते हो आप, ठीक है। तो भाई अभी के लिए यहाँ पे काफी सारे बंदे क्या ही करते हैं कि भाई में एज टू एज खेलते हैं, बिल्कुल मतलब जोन के बिल्कुल एज टू एज पे खेलते हैं और उसके बाद वहाँ पे एज पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं तो मैं इस वजह से यहाँ पे मारे जाते हैं और प्लस भी नहीं लगता उनका। तो भाई आपको ऐसा कभी नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको एज टू एज खेलना नहीं है, आपको यहाँ पे एज टू एज खेलना है बट भाई तीन जोन तक ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर्थ जोन बने या फोर्थ जोन कटे, ठीक है, तीसरा जोन जैसे यहाँ पे बन के तैयार हो जाए, फोर्थ जोन आ जाए, तो भाई उसके अंदर आपको क्या करना है भाई, बिल्कुल सेंटर होल्ड करना है, जोन का बिल्कुल बीच में जाना है आपको। एंड वहां से क्या होगा भाई, आपके आस पास से यहाँ पे काफी सारी रोटेशन जाएगी गाड़ी वाड़ी की और आप इजिली यहाँ पे किल भी निकाल सकते हो, और अगर आप तो पहले ही होल्ड करके बैठे हो तो भाई कोई बंदा यहाँ पे आप पे पुश भी नहीं करेगा और भाई सेंटर में आपको बहुत सारा फायदा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप किल भी निकाल सकते हो और भाई जोन भी आप पे ही बनेंगे बैक टू बैक, तो यहाँ पे इजीली आपको चांस रहेगा, यहाँ पे आप टॉप 10 तो इजीली आपका हो जाएगा, बाकी चिकन वगैरह भी आप निकाल सकते हो अगर आप अच्छा खेलते हो यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये वाली टिप्स भाई बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसको ट्राई जरूर से करना। और काफी सारे बंदे यहाँ पे एज टू एज खेलते हैं, तो आज से एज टू एज खेलना बंद करो मेरे भाई और जो मैं बताया वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे रही हाई प्लस की बात, तो भाई हाई प्लस तो उसके बाद आपको मिली जाएगी अगर तो आप यहाँ पे अच्छे खासे किल कर लोगे और जोन का सेंटर होल्ड कर लोगे, तो भाई हाई प्लस अगर आप टॉप 10 में भी आ जाओगे तो भी आपको यहाँ पे 25-30 प्लस के आसपास मिल जाएगा अगर आप एस मास्टर पे भी हो तो। भाई अभी मैंने आपके यहाँ पे एक आधे मतलब पूरे ही डाउट क्लियर कर दिए, बाकी तो और कुछ यहाँ पे रह गया होगा तो मेरे को जरूर से बताना। बाकी यहाँ पे जो मेन चीज थी वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, और भाई यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ पे माइनस नहीं पड़ेगा एंड आप इजीली यहाँ पे हर गेम टॉप 10 वगैरह निकाल सकते हो। तो ये चीज सबसे मेन है, तो इसको ध्यान से सुनना पहले। तो अगर तो भाई आप भी यहाँ पे इवेंट पे मर जाते हो, सर्वाइव नहीं कर पाते और भाई आपका रिकॉल यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, आपको इवेंट पे उतरना है, रिकॉल लेना है और यहाँ पे जहाज खड़े रहते हैं दो अगल बगल, तो वहां से एक जहाज उठाना है कोई भी और यहाँ से निकल जाना है रिकॉल लेके, ठीक है। उससे क्या होगा भाई, आपका रिकॉल बचा रहेगा दो जोन तक, एंड इतने यहाँ पे दो जोन बनेंगे तो इतने यहाँ पे आपका रिकॉल बचा रहेगा और बंदे भी यहाँ पे 30 के आसपास हो जाएंगे, तो माइनस माइनस नहीं लगने वाला आपका, ठीक है। से फायदा क्या होगा भाई, अगर तो आप यहाँ पे दूसरे जोन में मरते हो और लास्ट में मरते हो तो भी आपका यहाँ पे इजीली प्लस अच्छा खासा मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस बच जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अभी के लिए रिकॉल कार्ड रहेगा तो आप इजीली यहाँ पे बच सकते हो, ठीक है। तो हो सके तो भाई यहाँ पे ये वाली टिप्स भी यूज करना, रिकॉल लेकर आप निकल सकते हो इवेंट से, बाकी आपका मर्जी और आपका गेम प्ले, तो आप जैसे यहाँ पे चाहो ऐसे खेल सकते हो। बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये चीज बेस्ट है, क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ और इससे ही मैंने यहाँ पे दो आइडिया का कॉन्करर लगा लिया है, तीसरा आइडिया तो उसका भी मैं लगा दूंगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और भाई यहाँ पे काफी सारे बंदे डिमोटिवेट होते हैं, तो उनके लिए तो भाई मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो नहीं चलने वाला काम, आप एक बार दिमाग से सोच के देखो भाई, डेली भी यहाँ पे 500 पॉइंट प्लस करें तो भी आपका इजीली यहाँ पे कॉन्करर लग सकता है। तो भाई जो बंदे यहाँ पे पहली बार कॉन्करर कर रहे हैं वो इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो भाई आपका मर्जी, बाकी तुम्हारा भाई यहाँ पे सब सही बताता है आपको, अगर आपका मन हो तो भाई करके देखना एक बार ये बारी, जो भी मैंने अभी तक यहाँ पे वीडियो के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है तो उनको जरूर से यहाँ पे यूज करके देखना, काफी मस्त है और सारी की सारी टिप्स यहाँ पे बहुत यूजफुल, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा भाई आपको, ओनली मैंने बताई है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखना भाई, फिर मेरे को कमेंट करके बताना कैसी थी यहाँ पे मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसी लगी आपको, ठीक है। और बाकी तो अभी के लिए यहाँ पे बात करें भाई, यहाँ पे काफी सारे बंदे क्या हो रहे हैं भाई, यहाँ पे पैनिक होके खेलते हैं और भाई यहाँ पे मारे जाते हैं, ठीक है। अगर तो भाई उनके पास रिकॉल नहीं होता तो अगर कोई बंदा यहाँ पे रश कर देता है तो भाई वे बंदे पैनिक हो जाते हैं और उस कारण से वो मारे जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान पूरा यहाँ पे भागने भागने पर लगा रहता है। तो ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, आपको कभी भी फाइट के बीच में पैनिक नहीं होना है, तो ये भी यहाँ पे काफी यूजफुल ट्रिक थी। तो ऐसे यहाँ पे पैनिक नहीं होना है एंड आपको खुल के खेलना है, बिल्कुल माइनस से नहीं डरने हैं, अगर आप माइनस से डरोगे तो भाई यहाँ पे आप हग दोगे एंड आपके यहाँ पे इजीली यहाँ पे एक माइनस पड़ जाएगा।
तो भाई बाकी तो मैंने कॉन्करर से रिलेटेड सोलो के अंदर यहाँ पे आपके सारे डाउट्स, एक भी डाउट्स नहीं छोड़ा होगा भाई, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। और भाई जिसमें जिन जिन बंदों के यहाँ पे समझ में आ चुका है मेरे को जोर से बताना, और यहाँ पे जिन बंदों के समझ में नहीं आया मैं क्या बोला और क्या नहीं बताया मैंने, तो वो बंदे एक बार दोबारा से फिर देख लेना, उनकी समझ में ईजिली आ जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे बात करें गेम प्ले की, तो अभी यहाँ पे मेरे 15 किलो हो चुके थे, बाकी यहाँ पे मेरे को छोड़ के अभी भी दो बंदे बचे थे। तो अभी ना चिकन डिनर इसमें होने वाला है और प्लस भी देखना कितनी लगी। और हाँ भाई अभी तक यहाँ पे मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं ना भाई, मेरे को एक बार कमेंट में क्या करना है, हार्ट स्पैम कर देना है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो भाई एक दिल जरूर से भेज देना, उससे मेरे को पता लग जाएगा कि बंदे यहाँ तक भी मेरी वीडियो देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज आप कर सकते हो, बाकी तो इस चीज में कोई इतना रिस्क है नहीं, तो कर देना मेरे भाई। ठीक है, और बाकी अभी के लिए यहाँ पे गेम प्ले पे चले, तो यहाँ पे लास्ट बंदा बचा था और मैं यहाँ से पूरा रोटेशन दे के घूम के इसके पीछे आ जाता हूँ। और अभी देखना भाई तुम इस बंदे के साथ यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। तो भाई जैसे इस बंदे को नॉक करता हूँ मैं सोचता हूँ पीछे से मार रहा हूँ, तो एक मौका और दे देना चाहिए भाई को, बट भाई यहाँ पे मौका वेस्ट कर देते हैं दूसरा भी। तो देखो अभी के लिए मैं सोच रहा भाई को रिवाइव होने देते हैं एंड उसके बाद फिर से मार देंगे, बट अभी देखो भाई तुम। तो भाई तो यहाँ पे दोनों बार हक दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप प्लस भी देख लेना लास्ट में। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और भाई अगर अगर चैनल पे आप नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना अपना छोटा बड़ा नन्ना मुन्ना प्यार से भाई समझ के। ठीक है, बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।